हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीन एम्ब्रोस के रेसलमेनिया 35 के स्टेटस के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। आखिर क्या होगा रोल डीन एम्ब्रोस का रेसलमेनिया 35, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, रेसलमेनिया 35 का मेन इवेंट होगा बिटवीन रोंडा राउजी वर्सेस चार्लोट फ्लेयर वर्सेस बेकी लिंच, और ये मैच होगा विनर टेक्स ऑल। र्यूमर्स ये निकल कर आ रहे हैं कि शायद ये मैच बेकी लिंच जीत सकती है, और ऐसे वो जीतेगी रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। डेव मेल्सर ऑफ रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो ने रिपोर्ट दिया है कि रेसलमेनिया 35 के बाद के रॉ में विंस मैकमैन कह सकते हैं बेकी लिंच को कि इन दो टाइटल्स में से तुम किसी एक टाइटल को सिलेक्ट करना। ये काफी टफ डिसीजन होगा और ये डिसाइड करेगा कि बेकी लिंच कौन से ब्रांड में होगी। तो ये था कहना दोस्तों डेव मेल्सर का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप यूनिफाई नहीं हो रहे हैं, उनको बस इस मैच में ऐड किया जा रहा है ताकि इस मैच को एक बिग मैच फीलिंग मिले। तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली WWE किसे जिताती है ये बड़ा मैच। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है केन एंड ब्रे वाइट से। दोस्तों, केन एंड ब्रे वाइट दोनों ही काफी टाइम से मिसिंग है WWE से, और सभी के मन में ये सवाल है कि क्या ये दोनों पार्ट होंगे रेसलमेनिया 35 का। दोस्तों, वाइट की बात करें तो उनकी गर्लफ्रेंड जोजो प्रेग्नेंट है और उनका बेबी होने वाला है प्रोबेबली जून महीने में, इसलिए शायद ब्रे वाइट टाइम ऑफ ले सकते हैं WWE से। पर दोस्तों, रूमर्स ये आ रहे हैं फ्रॉम PW Insider कि ब्रे वाइट एंड केन दोनों भी न्यू जर्सी में है। तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो दोनों आते हैं रेसलमेनिया 35 या फिर नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में। दोस्तों, डीन एम्ब्रोस इस हफ्ते के रॉ में बुक नहीं थे, बट रॉ खत्म होने के बाद उन्होंने आकर अटैक किया बैरन कॉर्बिन को। ये डीन एम्ब्रोस का लास्ट पॉसिबल अपीयरेंस था ऑन रॉ। रेसलमेनिया 35 में भी वो बुक नहीं है, इसलिए उनके पॉसिबल तीन रोल हो सकते हैं एट रेसलमेनिया। पहला रोल तो ये हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर से इन्वॉल्व होने की वजह से वो बचाने आ सकते हैं रोमन रेंस को इन इस मैच अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर एट रेसलमेनिया। डीन एम्ब्रोस का सेकेंड रोल ये हो सकता है कि वो रोमन रेंस के कॉर्नर में रहेंगे एट रेसलमेनिया 35 अगेंस्ट इस मैच विद ड्रू मैकइंटायर। एंड थर्ड रोल हमें देखने मिल सकता है कि डीन एम्ब्रोस दिख सकते हैं बनते हुए एक स्पेशल गेस्ट रेफरी इन रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर मैच एट रेसलमेनिया 35। इनमें से कोई एक चीज इनकमिंग डेज हमें कंफर्म करते हुए दिख सकती है WWE ऑन देयर ट्विटर, और मे बी वो अनाउंस नहीं करेंगे और हमें डायरेक्टली सरप्राइज दे सकते हैं रेसलमेनिया। एंड दोस्तों, हु नोज, हमें ये भी देखने मिले कि डीन एम्ब्रोस रेसलमेनिया 35 में अनाउंस करेंगे कि उन्होंने रिसाइन कर लिया है WWE से फिर से। दोस्तों, ये रेसलमेनिया काफी धमाकेदार होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए फॉर रेसलमेनिया 35। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप डीन एम्ब्रोस को कौन से रोल में देखना चाहेंगे एट रेसलमेनिया 35। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।